तमाम जिले तमाम हलकों के अंदर जन चौपाल की शुरुआत जन नायक जनता पार्टी ने करी है। वहीं गांव के चौपाड़ पर जाकर गांव की समस्याओं को पार्टी का आने वाला घोषणा पत्र बना पार्टी की जन नायक जनता पार्टी करी है। हमारा उद्देश्य आम जन को जो गांव के अंदर आज मुख्य समस्याएं उसको कहीं ना कहीं सरकार के आगे रखना, उसको एक चुनौती के तौर पर आने वाले भविष्य में सुलझाना है। आज पीने के पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, आज दो दो महीनों तक बुजुर्गों को पेंशन ना मिलने की समस्या है, बिजली के मीटर और बिजली की छापेमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज आम ग्रामीण को पीड़ित अगर किसी ने करने का काम किया तो इन समस्याओं ने करने का काम, जन चौपाल के माध्यम से उन समस्याओं जब जन नायक जनता पार्टी की सरकार बनी कैसे निपटाया जाए वो प्रयास को लेकर हम आगे बढ़े। और साथ में जब बीजेपी बड़ा ईमानदारी का ढोंग इस प्रदेश में रथ रही है, वहीं जैसे किलोमीटर स्कीम में करोड़ों का घोटाला बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री की निगरानी के अंदर हुआ है, कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के घर पर घेराव कर हम प्रदर्शन भी करेंगे और हरियाणा सरकार से मांग करेंगे कि हरियाणा सरकार या तो इस पूरे मामले को सीबीआई को रेफर करने का काम करे और साथ में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपना इस्तीफा देने का काम करे। जो लोग अपने आप को ईमानदारी का मेडल स्वयं देते हैं, आज उनकी पोल खुलती जा रही है कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो नायब तहसीलदार के पेपर में 2.5 लाख में पेपर बिकने के ऊपर FIR दर्ज होनी हो, हर प्रकार से बेईमानों की फौज भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। और हैरानी और दुख ये होता है जहाँ नौकरियों की बात है, छोटी नौकरी है तो बहुत दूर की बात, प्राइवेट नौकरी है तो बहुत दूर की बात, HPSC जैसे पद के चेयरमैन की आज पोस्ट भी गैर हरियाणवी को देने का काम जो मनोहर लाल खट्टर ने किया, जिस हिसाब से हरियाणा के अधिकतम सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आज गैर हरियाणा के, रजिस्ट्रार हरियाणा के, हरियाणवी के अधिकार को छीनने का काम। सर बिश्नोई के ठिकानों पे छापे लगना, व्यापारी है जिनका अपना व्यवसाय है विदेशों के अंदर, वो स्वयं इसको खुद बोलते आए कि मेरी व्यस्तता थी, मगर चुनाव से पहले इस तरह के कदम उठने अपने आप संदेह पैदा करता है कि क्या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आज बीजेपी अपने बड़े मैंडेट के दम पर कर रही। जिस हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा की इन्वेस्टिगेशन हुई, ये तो बहुत बड़ा घोटाला था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने तो 400 पेजेस की एक चार्जशीट उस समय महामहिम को देने का काम किया था इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, और आज कहीं ना कहीं तो बहुत छोटा सा अंश की इंक्वायरी हो रही। अगर नियत से करें तो बहुत ऐसे पहलू हैं जिसको आज के दिन भी पब्लिक डोमेन में लाने का काम हरियाणा सरकार नहीं कर पाई। मेरे कहने का मतलब ये मैं तो 4 साल पार्लियामेंट के अंदर भी ये मामले उठाता रहा। मैं मानता हूँ हरियाणा को जो लूटा भूपेंद्र हुड्डा ने था, आज उसकी कहीं ना कहीं अब की बार चुनाव में बाकी। कल से हम इनके पहले मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे और ये गारंटी है 4 से 47 गए थे, इतना जोर लगाएंगे कि इनको वापस 4 पे लाने का काम करें। ऐसी कौन सी आप सबसे बड़ी जो मांग हरियाणा के आम जन के अंदर है वो रोजगार की है, और ये वादा है। मैंने तो पहले दिन जब पार्टी का निर्माण हमने किया था तब एक बात कही थी कि हरियाणा प्रदेश में कानून पहली कलम से अगर कोई बनेगा जन नायक जनता पार्टी का राज आने के बाद, तो हर रोजगार में 75% हिस्सेदारी का होगा। उसके साथ चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हो, कर्ज माफी की बात हो, आज बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, हम कंज्यूमर को ये राइट देंगे कि वो पिलर पे अपना मीटर लगाना चाहे या घर के अंदर लगाना चाहे। बहुत से ऐसे केसेस देखे जहाँ कोई शरारती तत्व ने मीटर तोड़ दिया और 50,000 की पेनल्टी घर वाले को देनी पड़ती है। आधी रात को छापेमारी कर जो एक भय का माहौल इस सरकार ने बनाया है, उस भय के माहौल से आज प्रदेश को बाहर निकालने का काम करेंगे। और दो चीज़ जिससे आज पूरा प्रदेश परेशान है, पहली तो गुंडागर्दी, आज मुख्यमंत्री के खुद के मंचों पर गुंडा तत्व दिखते हैं, और आज हरियाणा प्रदेश में हर रोज
एक मर्डर, तीन डकैती और चार रेप की घटनाएं दर्ज होती है। ये साबित कर देता है कि हरियाणा में आज गुंडा राज हावी है। और दूसरी ओर पर किसान के लिए जो आवारा पशु की एक दहशत है, हरियाणा प्रदेश से इन खागड़ों को और इन गुंडों को मुक्ति दिलाने का काम। सर रामपाल न मैं उनकी पार्टी का हिस्सा, मगर देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। तैयारी तो सामान तो पैक कर लिया, अब तो ट्रेन स्टेशन पर कब आएगी उसका इंतजार है। और मेरे ख्याल से वो स्टेशन पे आज या कल में ट्रेन लगने वाली। बीजेपी के इतना अगर अहंकार है तो अभी से अनाउंस करने लग जाए। हरियाणा की जनता ऐसी है जिसमें अहंकार आता है उसको। भजन लाल जी में आया था 84 में, जब 10 सांसद जीत के आए थे, 87 में 5 विधायक छोड़े थे और उसके अंदर केवल मात्र 5 ऐसे जीते थे जो कांग्रेस के सिंबल पे। बीजेपी का जो अहंकार है हरियाणा की जनता के लिए 75 दिनों के अंदर इस अहंकार को तोड़ने का भी काम। छोरियां नहीं है बेरोजगार, आज ज्यादा से ज्यादा छोरियां दो दो डिग्री डिप्लोमे करे घर बैठी, आज सब नौकरी ढूंढ रही। अगर छोरी नौकरी लगेगी उसका भी तो ब्याह बढ़िया होगा। ये छोरो छोरों के ब्याह की सोचो तो, जब फोरम आए दोबारा गांव में तो छोरो छोरी सबके प्रभाव जो बेरोजगार बैठे। एक वादा आपकी पार्टी का है जिस संघर्ष की लड़ाई को लेकर इस बीजेपी से हम लड़ रहे हैं, वो है रोजगार मेरा अधिकार की। आज ये ग्रुप डी के नारे लगा रहे, ग्रुप डी में ईमानदारी है, ईमानदारी कितनी ईमानदारी आपके यहाँ ग्रुप डी में लगे होंगे 4-5। अभिमन्यु मंत्री है, 65 ने फॉर्म भरा, 65 के 65 लगे, के ईमानदारी। हरियाणा के अंदर ये बीजेपी वाले नौकरियों का राग तो गा रहे, कोई पूछने वाला हो कितनी दे दी, 40,000 दे दी होगी, 45,000 दे दी होगी। आज 750 से ऊपर नौकरियों के फॉर्म भरवा लिए, 1,000-1,000 2,000 रुपए के फॉर्म भरे बच्चों ने, और फिर भर्ती कैंसिल। बेईमाना तो इतना है, जुडिशरी का पहला पेपर अगर किसी की सरकार में लीक हुआ तो इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। पिछले दिनों नायब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ, और नायब तहसीलदार का पेपर लीक होने के बाद भी इन्हें रिजल्ट आउट कर दिया, जबकि लोग 2.5-2.5 लाख रुपए रिश्वत देते पकड़े गए, आज उन पे FIR है, मुकदमे अरेस्ट किया हुआ है। 2 लाख रुपए दो, कोई सा पेपर ले। आज इससे बुरा हाल नहीं प्रदेश का कि गुड़गांव में 17 लाख नौकरी है, और उस 17 लाख नौकरी में थारा हिस्सा सिर्फ 3 लाख है, 14 लाख और बैठे, जमीन थारी, पानी थारा, बिजली थारी, नौकरी में हिस्सेदारी नहीं। कल परसों HPSC का चेयरमैन लगाया, बिरनी के नाम था, प्रेम चंदा के नाम है, काका है, होती है नहीं होती, कोई सुनी हो बता दो भाई, मैंने तो नहीं सुनी भाई, कहीं बाहर क्या ले आके बिठा दिया। ये आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का VC राजस्थान का, जींद यूनिवर्सिटी का VC दिल्ली का, GJU हिसार का VC पंजाब का, हरियाणा वाले के नौकरी करने से रह गए। ये समझने की बात है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को खोखला कर दिया इस बीजेपी की सरकार। आज समझने की बात है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ, घर घर जाओ, एक एक युवा साथी को साथ लगाओ, और ये वादा मेरा है जिस दिन राज बनेगा अगर पहला कानून को इस प्रदेश में लागू होगा तो हरियाणा के प्रत्येक रोजगार में चाहे वो प्राइवेट क्यों ना हो 75% आपके साथ पेंशन की, दो दो तीन तीन महीने तक पेंशन नहीं आती। चौधरी देवीलाल ने तो समान पेंशन की शुरुआत करी, और इसलिए करी थी कि समान पेंशन से बुजुर्गों का सम्मान हो, पर इस सरकार ने तो बुजुर्गों का अपमान कर दिया। सुबह खड़े होते हैं बैंक में जाके 11 बजे, और शाम को 4:30 बजे तक खड़े होने के बाद शायद ये कह दिया जाता है थारी पेंशन नहीं है अगले हफ्ते। बुजुर्गों युवा साथियों, मैं ये पर किया था कि जाए कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, वहाँ एक किसान को, कमेरे को, बुजुर्ग को क्यों 60 तक इंतजार करना पड़े। ये वादा है जैसे चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन की शुरुआत करी थी, आपका राज बढ़ेगा तो 58 साल की उम्र में पेंशन बुजुर्गों को, और ये मेरी ताई चाची खड़ी है, इनको 55 साल की घर बैठे देने की व्यवस्था बनाने का, और पीलिया जैसी बीमारी पहुंची, और सरकार
आज के दिन भी पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाए और आपका गांव तो टेल पे, पीने का पानी भी पूरा नहीं मुहैया हो सकता। एक चीज हमने डवाड़ी के अंदर आज से 7 साल पहले लागू करी थी, 11 और तो भाई।